तो ये है 14 अगस्त की नाइट की क्लिप, जब हमारी पूरी सोसाइटी को अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा था 75th इंडिपेंडेंस डे के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे। आज है 15 अगस्त और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। बिना देरी के हुए आप सबको सीधे ले चलती हूँ मैं अपने सोसाइटी के कंपाउंड में, क्योंकि थोड़ी देर में अभी हम लोग निकलने वाले हैं प्रभात फेरी के लिए। और सोसाइटी में आज कुछ फंक्शंस रखे हैं बच्चों के, तो उनकी कुछ क्लिप्स आपके साथ इस ब्लॉग के थ्रू शेयर करती रहूंगी। तो चलिए चलते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे मेरी सोसाइटी के कंपाउंड में। अभी बज रहे हैं 8:30, सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। प्रभात फेरी का टाइम 9 बजे का रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रभात फेरी का हिस्सा बन सके। इस बार हम सब 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबके हाथों में ये लहराते तिरंगे झंडे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सबके चेहरों पर एक अलग सी खुशी है, एक अलग सी रौनक है। पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से पूरी सोसाइटी ने इस तरह से एक साथ मिलकर कोई भी फंक्शन सेलिब्रेट नहीं किया था, लेकिन इस बार हम सब जमकर आज़ाद भारत के 75th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाद हमारी सोसाइटी में झंडा रोहण हुआ और बाय मिस्टेक मेरी वो क्लिप मिस हो गई है, तो वो आपके साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ। ये खूबसूरत सी रंगोली हमारी सोसाइटी के बच्चों ने बनाई है, साथ ही ये जो भी डेकोरेशन किया है ये सारा सोसाइटी के प्यारे प्यारे छोटे बच्चों ने किया है। और अब समय है बच्चों की प्यारी छोटी छोटी बच्चियों को डांस परफॉर्म करते देख मुझे भी अपने बचपन की याद आ गई कि इसी तरीके से हम भी अपनी सोसाइटी में, अपने स्कूल में 15 अगस्त, 26 जनवरी को किस तरीके से परफॉर्म करते थे। इन प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियों ने कम से कम 5 से 6 गाने पर डांस परफॉर्म किया और इनकी परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक थी, लेकिन कॉपीराइट्स इशू की वजह से मुझे सारी म्यूजिक ऑफ करनी पड़ रही है। आप लोगों ने इस बार अपना इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट किया प्लीज दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब समय है इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करने का। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल लिविंग विद पूजा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। जय हिंद।